हालेलुया। आओ परमेश्वर पिता के वचन की ओर चले और बाइबल से हम पढ़ेंगे न्यायों की किताब न्यायाधीश पुराने नियम में न्यायों की किताब और उसका छठवां अध्याय और हम पढ़ेंगे उसके 11वें पद से लेकर उसके 18 पद तक। यार पची यहोवा नु दूत आवे ने अबीएजर युआस नु एलन वृक्ष जे एफ्रामा हतो तेने तले बैठो तेनो दीकरो गिद्योन मिद्याने नी नजरे न पड़े पड़े द्राक्षाकुंड ने अंदर घऊं झूलतो हतो। अने यहोवा ना दूते तेने दर्शन दईने कह्यू पराक्रमी शूरवीर यहोवा तारी साथे छे। त्यारे गिद्योन ने तेने कह्यू मारा तारी जो यहोवा अमारी साथे होय तो अमारे माथे आ सर्व विपत्तिओ केम आवी पड़ी छे। यहोवा अमने मिसरमाथी काढ़ी नथी लाव्यो एम कहीने अमारा पितरो तेना जे सर्व चमत्कार विशे अमने कहता हता ते क्या छे पण हमणा तो यहोवाए अमने तरी दीधा छे ने मिद्यानीओना हाथमां अमने सौंपी दीधा छे। यहोवाए तेना पर दृष्टि करीने कह्युं तू तारा आ बळमां चाल्यो जा ने मिद्यानीओना हाथमांथी इस्राएलने बचाव શું મેં તને મોકલ્યો નથી। તેણે તેને કહ્યું હે પ્રભુ ઇઝરાયલને હું શા વડે બચાવું જો મનાસ્યામાં મારું કુટુંબ સૌથી ગરીબ છે ને મારા બાપના ઘરમાં હું સૌથી નાનો છું। યહોવાએ તેને કહ્યું નિશ્ચય હું તારી સાથે હોઈશ ને તું જાણે એક માણસને મારતો હોય તેમ તું મિદ્યાનીને તું જાણે મિદ્યાનીઓને મારશે। તેણે તેને કહ્યું કે જો હું હવે તારી દ્રષ્ટિમાં કૃપા પામ્યો હોઉં તો મારી સાથે વાત કરનાર તો એ તું જ છે તારું મને ચિહ્ન દેખાડ હું તારી પાસે આવું ને મારું અર્પણ લાવીને તારી આગળ મૂકું ત્યાં સુધી કૃપા કરીને તું અહીંથી જઈશ નહીં। તેણે કહ્યું તું પાછો આવશે ત્યાં લગી હું અહીં જોઈશ। પરમેશ્વર પિતા કા વચન હમારે લિયે બહોત આશીષિત હે ઓર પરમેશ્વર પિતા કા વચન સચ્ચા હે ઓર બાઇબલ મેં લિખા હે કે જે આપ સચ્ચાઈ કો જાનો દે तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया। आज का वचन मेरे लिए, आज का वचन मेरे लिए। हालेलुया। हाँ परमेश्वर का वचन वो मेरे लिए है और इसलिए सभी लोग ध्यान से सुनना कि परमेश्वर आज हम सभी से इस वचन के जरिए कुछ न कुछ हमसे बात करने के लिए जा रहे हैं। और जब भी हम वचन की ओर चलते तब परमेश्वर पुकारते हैं और हम सभी लोग सुनते हैं और आज भी परमेश्वर अपने वचन से हम सभी से बात करेंगे और वचन मेरे लिए है ऐसा ही समझकर उसको ध्यान से सुनना और कहीं पर भी कुछ भी गलती अगर नज़र आती है तो उसे हमें निकालना है। कहीं पर भी परमेश्वर अगर हमें कुछ उत्तेजन देते हैं तो उसको हमें प्राप्त करना है और इसी तरह से हमें वचन के अंदर आगे बढ़ना है क्योंकि हमारे परमेश्वर एक ही परमेश्वर है उसके सिवा और कोई परमेश्वर है ही नहीं। और हमारे परमेश्वर जब इज़राइल लोग गुलाम बने हुए थे और मिस्र देश में थे तब हमारे परमेश्वर ने मूसा के जरिए उन सभी लोगों को बाहर निकाला और जब परमेश्वर ने मूसा के जरिए उन सभी को बाहर निकाला तब मूसा 80 साल के थे और 80 साल के मूसा को परमेश्वर ने पसंद किया। तो ध्यान समझना कि 80 साल में तो सही में इंसान के अंदर ताकत नहीं होनी चाहिए और फिर भी परमेश्वर ने मूसा को 80 साल के बाद परमेश्वर ने उसको चुना और परमेश्वर ने मूसा के साथ बात की और परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए तू जा मैं तेरे साथ रहूँगा और तुझे उनको छुड़ाना है। और परमेश्वर ने खुद मूसा के लिए गवाही दी कि मूसा के जैसा भविष्यवक्ता आज तक कोई भी पैदा नहीं हुआ। जैसे चमत्कार मूसा ने किए ऐसे चमत्कार करने में आज तक मूसा जैसा भविष्य वक्त तक वो कोई भी पैदा नहीं हुआ। परमेश्वर ने मूसा के लिए गवाही दी कि मूसा इस धरती के ऊपर रहने वाले सभी लोगों में से वो सबसे नम्र है और परमेश्वर ने मूसा के लिए गवाही दी थी कि मूसा जो है वो मेरे घराने में विश्वास योग्य है। विश्वास ही नहीं लेकिन विश्वास योग्य। और मूसा तकरीबन 40 साल तक मतलब 80 साल से लेकर 120 साल तक हुए
तब तक परमेश्वर का काम उन्होंने बहुत जोरों से किया, इसराइल लोगों को बचाने के लिए, उनको फिर उनके हाथ से छुड़ाने के लिए, वहाँ से बाहर निकालने के लिए। रास्ते में 120 साल के हुए तब तक, मतलब 40 साल तक उन्होंने उनकी अगुवाई की, और मूसा 40 साल तक ये इसराइल जो लोग थे उनके साथ रहे। और इस 40 सालों में मूसा के साथ एक नौजवान और भी था और उसका नाम था यहोशू। यहोशू भी मूसा के साथ रहे थे, मूसा का दास बनकर, मूसा का नौकर बनकर, मूसा के साथ जो यहोशू थे और यहोशू वो लगातार मूसा के साथ रहते थे। उसके बाद ऐसा हुआ कि मूसा का जीवन समाप्त हो गया और 120 साल उनके हो गए, अभी उनको मरना था। और परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा तो पहाड़ के ऊपर आ जा, अब तुझे मरना है, और तेरी जगह पर जो यहोशू है उसको ये सारी जिम्मेदारी दे दे, और जो यहोशू है वो ये सारी जिम्मेदारी को उठाएंगे और यहोशू इन लोगों को वचन के देश में लेकर जाएंगे। वो ध्यान से समझना कि 40 साल तक मूसा इसराइल लोगों की सेवा करते रहे, और 40 साल के बाद 120 साल के हुए तब उनका मरने का समय आया। लेकिन ये 40 सालों में मूसा के साथ यहोशू रहे थे, और यहोशू लगातार मूसा का दास बनकर, मूसा का सेवक बनकर या मूसा के नौकर बनकर वो लगातार उनके साथ रहे थे। अभी देखने जाओ तो बहुत बड़ी बात थी कि मूसा को जो मान सम्मान था, क्योंकि मूसा बोलते थे इसराइल लोग इकट्ठा हो जाओ, इसराइल लोग इकट्ठा हो जाते थे। मूसा बोलते थे चलो हमको चलना है, कुछ करना है, और सभी इसराइल लोग कुछ करने के लिए निकल पड़ते थे। और फिर मूसा बोलते थे रुक जाओ, तो सभी लोग रुक जाते थे। मतलब मूसा का इतना मान था, सम्मान था कि 35-40 लाख लोगों को हैंडल कर रहे थे, और 35-40 लाख लोग मूसा का कहा हुआ सुन रहे थे। एक बार तो परमेश्वर मिलने के लिए आए और सभी लोग डर गए, तब भी सभी लोगों ने मूसा को कहा, मूसा तू परमेश्वर की सुन और मूसा हम तेरे से सुन लेंगे, मूसा तो जो भी बोलेगा हम मान लेंगे। और इतना मान सम्मान जो था वो मूसा का वहां पर था। अब उसकी जगह 40 साल के बाद, 40 साल मूसा की नौकरी करने के बाद, 40 साल मूसा की सेवा करने के बाद ये सारी जिम्मेदारी, ये सेवा अब किसके हाथ में आई? यहोशू के हाथ में आई, जिसके पास एक भी इंसान नहीं था। अभी उसको डायरेक्ट उसके अंडर में मिल रहे 35-40 लाख लोग, कितनी बड़ी पोस्ट उसको मिल रही। अगर ऐसी बड़ी पोस्ट मिल जाए तो कौन मना करेगा? सभी लोग तैयार हो जाएंगे, सभी लोग उस जगह पर पहुंचने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। लेकिन वो ध्यान से समझता कि 40 साल तक मूसा के साथ यहोशू रहे थे, और यहोशू ने मूसा का जीवन देखा था, मूसा का चाल चलन देखा था, और साथ में जो इसराइल लोग थे उनका भी चाल चलन देखा था। ऐसा होता था कि मूसा इनको छुड़ा कर भी बाहर ही लेकर आए थे और सामने समुंदर, अभी अभी छुट कर आए, अभी अभी चमत्कार देख कर आए, और सभी लोग चिल्लाना शुरू कर दे हे मूसा मरने के लिए लेकर आए, क्या वहां पर कब्रें नहीं थी? हमने तुझे मना किया था ना, हमको मिस्र के लोगों की गुलामी करने दे, हमको छुड़ाया क्यों? देखो लोग फिर से आ गए, आगे समुंदर है। अभी देखो 35-40 लाख लोग एक और होकर जोरों जोरों से चिल्लाए, मूसा की हालत क्या हो जाएगी? और यहोशू ने तो देखा था, चलो वहां परमेश्वर चमत्कार किए, वो लोग आगे बढ़े। जब पानी नहीं था तभी मूसा के खिलाफ, ये मूसा हमको मरने के लिए, प्यासा मरने के लिए लेकर आए क्या? ये भी तो यहोशू ने देखा था। जब खाना नहीं मिलता था तब भी तो ये लोग चिल्लाते थे, ये मूसा हमारे पास खाना नहीं है, हमको मरने के लिए लेकर आए। ये भी यहोशू ने देखा था। एक बार उनको रास्ता लंबा लग गया तो भी मूसा के खिलाफ, कब तक चलाता रहेगा हमको, मंजिल तो आती नहीं है, कहां है वचन का देश?
कैद उधर मधु की तरह है। और ये सारी बातें यहोशू ने देखी थी। अभी देखने जाओ तो बहुत बड़ी पोस्ट, 35 से 40 लाख लोग यहोशू के नीचे। लेकिन ये सब देखने के बाद क्या यहोशू तैयार हो सकता है? क्या यहोशू बोल सकता है हाँ परमेश्वर मूसा की जगह मुझे दे दो? किस तरह से वो तैयार हो सकता है? क्योंकि उसने तो वहां पर यही बात दिखी थी, जब कुछ भी नहीं है, जब लोग सीधे सीधे जा रहे, कोई परेशानी नहीं, पानी मिल रहा है, मन्ना गिर रहा है, खाना मिल रहा है, कोई बीमारी नहीं, कोई श्राप नहीं, कुछ भी नहीं, तब तो सब लोग बिंदा से जा रहे, तब तो सब लोग मूसा की भी जय जयकार करने लगते। मूसा बोले रुक जाओ, सभी लोग रुकते। मूसा बोले उठो, सभी लोग उठ जाते। मूसा बोले तंबू बनाओ, तंबू बना लेते। सब कुछ चलता है। लेकिन थोड़ी सी भी परेशानी आई तब मूसा की सुनते थे, तब तो सभी लोग मूसा के खिलाफ। और एक बार ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कई बार हुआ, और विरोध करने वाले भी एक दो लोग नहीं, लेकिन 35 से 40 लाख लोग ये देखते देखते यहोशू किस तरह से तैयार हो सकता है। हाँ परमेश्वर, मैं ये काम जो है ये काम मैं कर सकता हूँ। जब तक सब कुछ सही चलता था तब तक तो पूरे इसराइल सही से चलते थे। मैंने भी देखा है कि जब तक सब कुछ सही चल रहा है तब तो लोग भी सही से पेश आ रहे। एक बार मैं किसी के घर में चला गया और ऐसा हुआ कि वहाँ का एक बुजुर्ग था, उनको पेट में गैस की समस्या हो गई थी और गैस के कारण पेट थोड़ा सा फूल गया था, पेट में काफ़ी दर्द हो गया था। जैसे ही मैं गया, उसकी लड़की थी मेरे पर भड़क उठी, आपने बीड़ी छुड़वाई थी ना, ये देखो अभी। जब बीड़ी छुड़वाई तब आनंद करते थे, लेकिन गैस आ गया तो इसमें बीड़ी छुड़ाने के से बीड़ी छुड़ाने का इन दोनों का कनेक्शन कौन सा हो गया? क्या बीड़ी गैस पैदा करती है या बीड़ी गैस को दूर करती है? ये तो मुझसे कौन सा काम करती? उसका तो एक ही काम है कि कुछ साल पीते रहो, फिर उसको डाल दो कैंसर के हॉस्पिटल में, इसके से उसका और कोई काम नहीं। लेकिन गैस होगा, बोला आपने बीड़ी छुड़ाई नहीं इसकी वजह से हो गया इसको, मेरे पापा अब तक बहुत अच्छे थे, बीड़ी क्यों छुड़वाई? मूसा के जीवन में बस ऐसे ही चलता रहा था, ऐसे ही चलता रहा था। और एक बार तो ऐसा हुआ और मूसा परमेश्वर से बात करते हैं और हम पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसका 4वां पद। અને મૂસા યહોવાની પ્રાર્થના કરીને કહ્યું કે લોકોને માટે હું શું કરું? તેઓ મને પથ્થરે મારવાની અણી પર છે। સભી લોકોને પથ્થર ઉઠા લે એક વાર તો મૂસા કો મારને કે લિખ। દેખો કિતની બડી બાત, મૂસા જિનકી વજહ સે ઇન લોકો કો છુટકારા મિલા, જિનકી વજહ સે ઇતને ચમત્કાર કા અનુભવ હુઆ, જિનકી વજહ સે પરમેશ્વર કોન હે પતા ચલા, ઓર આજ વો લોગ મૂસા કો પથ્થર મારને કે લિયે ખડે હુએ। और मूसा बोलता है परमेश्वर कुछ करो, ये लोग देखो पत्थर मारने के तुले हुए मुझे। और मूसा को ये लोग पत्थर मारने के लिए खड़े हो गए थे। एक बार तो उसकी सगी बहन मरियम और उसका सगा भाई हारून, वो दोनों भी मूसा के खिलाफ हो गए। लगा तेरे अकेले के साथ परमेश्वर बात करते, क्या हमारे साथ बात नहीं करते? और यहोशू ये सब देखते हुए आए थे। एक बार तो 250 लोग आ गए, उन्होंने भी यही सवाल उठाया, अगर मूसा तू पवित्र है ना तो हम लोग भी पवित्र है, अगर परमेश्वर तेरे साथ बात करते तो मेरे साथ भी बात करते। वो तो मूसा इस धरती के ऊपर रहने वाले सभी लोगों में से नम्र थे, वरना बोल देते जब फिर उनके पास था ना तब पता चलता था तेरे साथ बात करते थे, तब किसकी आवाज़ सुनाई देती थी, बोल देते मुँह पर। लेकिन मूसा इस धरती की पीठ पे सब लोगों से नम्र थे और ये सारी बातें यहोशू जो है उन्होंने देखी थी। अब ये सारी बातें देखकर यहोशू जो है वो किस तरह से जिम्मेदारी उठा सकते हैं, ये जिम्मेदारी उठाने के लिए यहोशू जो है वो किस तरह से तैयार हो सकते, वो तैयार नहीं हो सकते, यहोशू तैयार नहीं हो सकते। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण पुनर्नियम उसका 3रा अध्याय
व्यवस्था तीसरा अध्याय उसका 28वां पद। पण यहोशुआ ने आज्ञा कर ने तने हिम्मत तथा बल दे क्योंकि ते आ लोगों ने पहली बार दौरी जैसे ने जे देश तू जोवानो छे तने वारसो ते ते उन्हें प्राप्त करावशे। यहाँ पर बाइबल में लिखा है, एक बार फिर से पढ़ो तो। पण यहोशुआ ने आज्ञा कर ने तने हिम्मत तथा बल दे क्योंकि ते आ लोगों ने पहली बार दौरी जैसे ने जे देश तू जोवानो छे तने वारसो ते ते उन्हें प्राप्त करावशे। यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से बात की, मूसा यहोशू को बल दे, यहोशू को हिम्मत दे, उसको बोल कि आज से सारी जिम्मेदारी तेरी। और जो वचन का देश मूसा को तो सिर्फ देखने को मिलने वाला था पहाड़ के ऊपर से, और परमेश्वर बोलते हैं उस देश में यहोशू इनको लेकर जाएगा। और पूरा बाइबल पढ़कर देखना, यहोशू ने एक बार भी मना नहीं किया था, यहोशू ने एक बार भी ऐसा नहीं बोला नहीं मूसा ये जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। यहोशू ने एक भी बार ऐसी बात नहीं बोली, लेकिन सही में तो ऐसा होना चाहिए था। यहोशू को सोचा थी अब तो मेरी आ बनेगी, पहले मूसा थे अब मेरी बारी हुई, अब पानी नहीं मिला तो मूसा तो प्रार्थना करते थे पानी मिल जाता था, मूसा तो प्रार्थना करते थे खाना मिल जाता था, लेकिन ये लोग अभी मुझ पर भड़केंगे तो अब फिर से कुछ ऐसा हुआ तो इसराइल के लोग वो तो 35-40 लाख लोग सब मेरे खिलाफ आ गए। तो यहोशू ने ये सब कुछ देखा था, लेकिन यहोशू ने एक भी बार ऐसा कुछ सवाल नहीं किया, यहोशू ने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन यहोशू जो है वो यहोशू ने ये सारी जिम्मेदारी ले ली और यहोशू ने जिम्मेदारी को पूरा भी किया। वो ध्यान से संबंधक यहोशू ये जिम्मेदारी कैसे निभा सकते हैं, यहोशू ये जिम्मेदारी किस तरह से पूरी कर सकते, क्या सोचकर उन्होंने मूसा के हाथ से ये जो सेवा है ये सेवा उन्होंने ली, किस तरह से यहोशू जो है वो यहोशू ये सारी बातें करने के लिए वो तैयार हुए, यहोशू ने देखा क्या। तो ध्यान समझना, यहोशू ने वो नहीं देखा कि कितने लोग विरोध करते हैं, यहोशू ने ये नहीं देखा कितने लोग पत्थर मारने के लिए खड़े होते, लेकिन यहोशू ने क्या देखा, 80 साल का बूढ़ा और 120 साल तक बढ़ता ही जाता है, बूढ़ा है ये और फिर भी ये काम कर सकता है तो मैं तो जवान हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता, अगर मूसा कर सकते इतने बूढ़े होकर कर सकते मैं क्यों नहीं कर सकता। देखो नजरिया इसका, यहोशू का नजरिया कुछ अलग है, यहोशू की सोच कुछ अलग से, वो ये नहीं सोच रहा है 35-40 लोग सामने आ जाएंगे, ये लोग विरोध करेंगे, पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, रास्ता लंबा लगेगा, हम भी पवित्र है कहकर आ जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, उसने सब कुछ देखा नहीं। लेकिन यहोशू ये सोच रहे कि इतना बूढ़ा इंसान अगर कर सकता है तो मैं जवान होकर क्यों नहीं कर सकता। और यहोशू की जो निगाह, यहोशू की जो सोच है वो सभी लोगों की सोच से कुछ अलग से है, और इसलिए यहोशू ने बिंदास से बोल दिया कोई बात नहीं, चलो ऐसा है तो मैं तो करने के लिए तैयार हूँ। और फिर यहोशू के पुस्तक में लिखा है, यहोशू का पुस्तक और उसका पहला अध्याय, यहोशू का पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 7, 8 और 9 पद। पर मारा सेवक मूसा है ती सर्व नियमों तने फरमाव्या ते प्रमाणे संभाळीने करवा सारो बळवान तथा बहु हिम्मतवान था, तेमाथी जमणी की डाबी कम फरतो ना, ए माटे के ज्यां कई तो जाय त्यां तो फते पामे, ए नियम शास्त्र तरफ मोहमती जाय नहीं पण दिवस तथा रात्रि तेनो मनन कर कि तेमा जे बधु लखेलू छे ते तू काजीदी पाड़े, कारण के त्यारे ज तारो मार्ग आबाद थशे अने त्यारे ज तू फते पामशे। यहाँ पर परमेश्वर ने यहोशू से बात की, देख यहोशू मूसा की जगह पर आ तो गया, ये देख करा गया कि 80 साल का बूढ़ा कर सकता है, 120 साल का बूढ़ा कर सकता है तो मैं जवान क्यों नहीं कर सकता, मैं तो कर ही सकता हूँ, अच्छी सोच है तेरी, तू आ गया है लेकिन तू कब फतेह पाएगा, तू कब विजयवंत होगा, तू कब इसमें सफलता पाएगा, अगर मूसा ने जितनी भी आज्ञाएं दी है उस सारी व्यवस्था को अगर मानेगा तो ही ये काम होगा, वरना तू सफलता नहीं प्राप्त करेगा। अगर कोई बोल दे
अगर ऊपर से परमेश्वर ही आकर बोल दे के बाइबल को पूरा मानोगे फिर मैं आपके बारे में देखूंगा कि आपका अच्छा करूं या ना करूं, लेकिन पहले ये मान कर बताओ। तो मुझे लगता है सब लोग ऐसा ही बोलेंगे, हमको नहीं मानना, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि मूसा की ओर से जो व्यवस्था आई थी वो शुरू से लेकर आखिर तक उसको सही रीति से कोई पूरा नहीं कर पाया, और मूसा तो व्यवस्था देने वाले थे। लेकिन यहोशू यहां भी वही सोच रहे कि 80 साल का बूढ़ा, बढ़ते बढ़ते उसकी उम्र तो बढ़ती जाती है, 120 साल तक होती है, जितना बूढ़ा होता उतनी कमजोरी आती होती है, और मूसा फिर भी सारी आज्ञाकारी कर सकते, मैं क्यों नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर मूसा कर सकते तो मैं क्यों नहीं, अगर मूसा आज्ञाकारी कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं तो पक्का कर सकता हूं, अगर मूसा कर सकते तो मैं भी कर सकता हूं। और यही सोच में यहोशू जो है वो यहोशू आगे बढ़े। उसके बाद कभी भी बाइबल में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इसराइल के लोग यहोशू के खिलाफ हुए, या तो यहोशू के पास आकर कभी पानी मांगा, या तो कभी खाने के लिए कुछ तकरार की, ऐसा कुछ बाइबल में नहीं लिखा। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये जो इसराइल लोग मूसा की मौत के बाद सुधर गए थे, ऐसा भी नहीं था। अभी तक उनमें जो कमियां थी वो सारे कमी तो उनमें थी। एक बार एक छोटा सा शहर था, उस शहर का नाम था आई, और इन लोगों को लड़ने के लिए जाना था। और सभी लोग आए मूसा के यहोशू के पास, और यहोशू को बोलने लगे, यहोशू देख आए जो है ना वो तो बहुत छोटा है, हम लोग जासूसी कर आए और हम सभी लोग लड़ने के लिए नहीं जाएंगे वहाँ पर, बस हम 3000 को भेज दे तू और हम आसानी से उनको मार कराएंगे, और परमेश्वर तो है ही हमारे साथ। और यहोशू ने बोला चलो सही है चले जाओ। 3000 लोग गए और उनमें से कुछ लोग तो मर गए, बाकी के लोग पलट कर भागे, और भागे और यहोशू के पास आए। और यहोशू ने जैसे सुना, यहोशू ने एक भी बार उनको पूछा नहीं क्यों हारे, कैसी लड़ाई लड़ी, लेकिन यहोशू जो थे वो तो तुरंत मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने प्रार्थना शुरू की, परमेश्वर है क्या तेरे लोग और हार कर आए। अभी लोग गुलाम बने हुए थे, 40 साल जंगल में रहे थे, ये कौन सी शस्त्र कला को जानते थे, तलवार कैसे चलाना उनको कहाँ मालूम था, भाला कैसे चलाना इनको कहाँ मालूम था, इनको कहाँ लड़ाई करने के लिए आती थी, लेकिन जीतते थे क्यों, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ थे। और यहोशू ने यही देखा कुछ तो गड़बड़ी हुई है, कुछ तो हुआ है, वरना हम लोग हारने वाले नहीं है, चाहे 3000 जाए चाहे 300 जाए, लेकिन हम लोग नहीं हार सकते। और परमेश्वर यहोशू के पास आए और यहोशू को बोला यहोशू क्यों मुख के बल गिराए, उठ तेरे लोगों ने पाप किया है और तेरे लोगों के अंदर एक श्रापित चीज आई हुई है, और उस श्रापित चीज की वजह से आज तुम लोग इतना नाश हो गए हो। और यहोशू उठे, प्रभु कौन है बताओ, बोले कोई बात नहीं सभी को इकट्ठा करो। और एक के बाद आखिर में आखान नाम का एक इंसान जो था वो पकड़ा गया। कहाँ इसराइल के लोग सुधर चुके थे, यहोशू के समय में वही थे जो मूसा के समय में थे, ऐसा नहीं कि सुधर चुके थे, लेकिन यहोशू को एक भरोसा था, यहोशू की एक सोच थी, अगर मूसा कर सकते मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर मूसा आज्ञाकारी कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये 35-40 लाख लोगों को नहीं देखता था कि लोग विरोध करेंगे तो, ये लोग खिलाफ आ जाएंगे तो, मुझे पत्थर मारने के लिए खड़े हो जाएंगे तो, ये सबकी परवाह उसको थी ही नहीं, वो तो मूसा को देख, अब वो कर सकते मैं क्यों नहीं, बस उसकी सोच कुछ ऐसी थी। और इसराइल लोगों के जीवन में कोई सुधार नहीं आया था, क्योंकि यहोशू ने उनको वचन का आदेश दे दिया, सभी का बंटवारा भी हो गया, सभी को वतन भी दे दिए। और उसके बाद यहोशू के पुस्तक में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं यहोशू का पुस्तक और उसका 24वां अध्याय, उसका 14 और 15 पद। तो हवे यहोशू भय राखो ने प्रामाणिकपणा थी ने सत्य दर्शी तेनी सेवा करो, अने नदी ने पहले कम
તથા મિસરમાં તમારા પિતૃઓ જે દેવોની સેવા કરતા હતા તે દેવોને દૂર કરીને યહોવાની સેવા કરો. ઉન દેવો કો દૂર કરકે પરમેશ્વર કે સેવા કરો. इसका मैं साथ में लेकर आया हूँ. उनके दिल में अभी भी कोई ना कोई देव देवता कई लोगों में होंगे और इसलिए यहोशू को बोलते हैं उनको दूर कर दो. और फिर क्या लिखा है? अरे जो यहोवा ने सेवा करवी ए तुमने माठू दिसतो होय तो कोनी सेवा तमे करसो ते आजेज पसंद करो. એટલે નદીની પેલે ગમ તમારા પિતૃઓ જે દેવોની સેવા કરતા હતા તેઓની અથવા જે અમોરના દેશમાં તમે વસો છો किसी की ओर नहीं देखा. लेकिन यहोशू ने यह देखा जब मूसा कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता. मूसा अगर कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता. और इसी तरह से यही सोच में वो आगे बढ़ते गए और उसमें सफल भी हुए. और उन्होंने इसराइल लोगों को अपना जो वतन देना था वो उनको दिला भी दिया और यहोशू ने सफलता प्राप्त की. जब नबूकदनेस्सर राजा ने बड़ी सी मूर्ति बना ली और बोला इसकी पूजा करो, अगर इसकी पूजा नहीं करोगे तो आग की भट्टी में जिंदा डाल दिया जाएगा. और वहाँ पर शद्रक मेशक अबेदनगो ये तीन लोग पकड़ा गए. इन लोगों ने मूर्ति की पूजा नहीं की. जब राजा ने उनको कहा एक मौका और देता हूँ, जब बाजे बजने लगे आराधना होने लगे तो मैं मौका देता हूँ जाकर पूजा कर कराना, और अगर नहीं करोगे तो ऐसा कौन सा परमेश्वर जो मेरे हाथों से तुमको बचा सके. और तभी भी शद्रक मेशक अबेदनगो ने हिम्मत से उत्तर दिया हमारा परमेश्वर हमको बचा सकते. अभी इसराइल के सारे लोग वहीं पर थे तो उन्होंने तो की होगी मूर्ति पूजा, तभी तो तीन पकड़ा गए. अब इनके साथ है कौन? कोई भी नहीं है. एक और सारी दुनिया और एक और तीन लोग. लेकिन हिम्मत देखो, बस यही सोच कि हमारे परमेश्वर जो है वो कर सकते, हमारे परमेश्वर जो कर सकते. और जब नबूकदनेस्सर राजा को सपना आया और कोई भी मतलब नहीं बता सकता था, और तब दानिय्येल हिम्मत से उस राजा को कहते हे राजा मैं भी रात को जाता हूँ घर पर प्रार्थना कर कर आता हूँ सुबह तेरे पास और तेरा सपना भी बता दूंगा और साथ में उसके अंदर जो अर्थ था वो भी मैं बता दूंगा तुझे. दानिय्येल कैसे बोल सकता है? शद्रक मेशक अबेदनगो को ऐसी परिस्थितियों में कैसे परमेश्वर में बने रह सकते? लोग एंटीक्राइस्ट के नाम से डर रहे तो वो और नबूकदनेस्सर राजा में कौन सा फर्क है? ये भी मूर्ति बनाने वाला है, ये तो मूर्ति बना चुका था. ये भी बोलने वाला है जो पूजा नहीं करेगा उसको मार देंगे, तो ऐसा तो इसने भी बोला था. और उस वक्त तीन लोग उन्होंने नहीं की और बिंदा से बोल दे हमारा परमेश्वर बचा सकता है हमको. कैसे इतनी हिम्मत, कैसे इतनी ताकत? और साथ में दानिय्येल कैसे कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर जो है वो आज रात ही मुझे तेरा सपना बता सकते, मैं सुबह का तेरा सपना भी बता दूंगा और उसका मतलब जो है वो बता दूंगा. क्योंकि इनकी सोच यही है कि अगर मूसा कर सकते, अगर यहोशू कर सकते, अगर एलिय्याह कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, हम क्यों नहीं कर सकते. आज ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, वो तो एलिय्याह था, छोड़ो उसकी बात है, वो तो एलिय्याह था, वो तो मूसा थे, हम लोग नहीं कर सकते, वो तो यहोशू थे. लेकिन इनकी सोच कुछ अलग से, अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते. आज लोगों के जीवन में ये सारी बातें जो दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही. आज जिस तरह से लोगों का जीवन होना चाहिए, जिस तरह से चलना चाहिए, उस तरह से लोग चल नहीं पाते. कभी साल, कभी दो साल, कभी कुछ महीने, कभी कुछ दिन. एक बार गिर गए, दो बार गिर गए, चार बार गिर गए, दस बार गिर गए और फिर उठ ही नहीं पा रहे, उठते नहीं है. परमेश्वर ने बोला कि मेरा धर्मी अगर सात बार भी गिर जाए तो अभी वो तो खड़ा हो सकता है.
मेरा धर्मी अगर सात बार, और बाइबल में जब सात बार लिखा हो तो समझो इसकी कोई गिनती नहीं है, संपूर्ण, मतलब चाहे कितनी भी बार गिर जाए अगर मेरा धर्मी है तो वो तो पक्का उठेगा उठेगा। लेकिन आज दुनिया में ऐसा दिख रहा है लोगों में, विश्वासियों में, मसी लोगों में, क्यों उठ नहीं पा रहे, एक बार दो बार चार बार और गिर गए और फिर उठ नहीं पा रहे। जब वो साथ 40 साल के हुए तब उन्होंने मिस्र देश को छोड़ दिया था, लेकिन 40 साल तक मूसा वो फिरौन के घर में रहे थे, फिरौन की बेटी का बेटा बनकर वो रहे थे और उनको किसी भी चीज़ की कमी घटी वहाँ पर नहीं थी। ये 40 सालों में मुझे लगता है कि मूसा ने बहुत प्रयत्न किए होंगे, या तो मूसा ने बहुत कुछ सोच कर रखा होगा कि मैं मेरे इसराइल लोगों को आज़ाद करवा दूंगा, मैं इसराइल लोगों को छुड़ा दूंगा, एक बार फिर उनकी जगह मिल जाएगी, एक बार अगर मुझे वो पद मिल जाए, वो कुर्सी मिल जाए, अगर फिर उनकी जगह पर मैं आ जाऊंगा तो मैं लोगों को आज़ाद कर यहाँ से भगा दूंगा। हो सकता है मूसा ने बहुत सारी योजना बनाकर एडवांस में रखी हो, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, लेकिन क्या हुआ, ऐसा हुआ ही नहीं। एक बार एक इसराइल ने बोल दिया कि कल मिस्री को मार दिया, आज मुझे मारने के लिए आएगा, और मूसा वहाँ से भाग गए। ये तो कैसे लोग हैं, मैं छुड़ाना चाहता हूँ, मैं इनको बचाना चाहता हूँ, कल तो मैंने मिस्री से बचाया और आज ये लोग मेरे खिलाफ, और मूसा जो है वो वहाँ से चले गए और वहाँ 40 साल तक ससुराल में रहे, घर जमाए बनकर। अब 80 साल के हुए तब परमेश्वर मूसा को दर्शन देते और परमेश्वर मूसा से बात करते, मूसा मेरे लोगों को छुड़ा, तो मूसा ने कहा एक नहीं हाँ बोल दिया था, हाँ परमेश्वर अब आप आ गए ना, अभी तो छुड़ा ही लेता हूँ, 40 साल मैंने बहुत प्रयत्न किए लेकिन अभी आप मिल गए ना, अभी तो मैं छुड़ा ही लेता हूँ। मूसा ने ऐसा नहीं बोला था, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक उसका चौथा अध्याय उसका पहला पद। तेरे मूसा उतरा तो पर जो दे तेओ मारो कहू खरू नहीं माने, ने मारी वाणी नहीं सबड़े, क्योंकि तेओ कह सके यहोवा तने दर्शन दी तू हाथी। मूसा ने पहले ही बहाना बता दिया था, प्रभु आपने दर्शन दिया, लेकिन यहाँ पर तीसरा तो कोई है नहीं जो जानता है, कोई सबूत तो है नहीं मेरे पास, देखो मैं वहां पर जाऊंगा ना इसराइल लोगों के पास और उनको अगर मैं बोलूंगा कि हमारे पूर्वज अब्राहम इसहाक और याकूब के परमेश्वर हमको दर्शन दिया, मुझे दर्शन दिया, तो लोग क्या बोलेंगे, नहीं तुझे कोई दर्शन नहीं हुआ, और देखना परमेश्वर वो मेरी बात नहीं मानने वाले, सही में ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, और अगर होता तो होता, लेकिन मूसा को क्या बोलना चाहिए था, मैं करूँगा, लेकिन मूसा मना क्यों कर रहे, तो ये 40 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है पहले, जब जब इसराइल लोगों की उन्हें सहायता करने का प्रयत्न किया होगा तब वो लोग खिलाफ एक तो गुलामी कर रहे और मूसा उनको आज़ादी देने की बात कर रहे, मूसा उनको छुड़ाने की बात कर रहे, तो ऊपर से बोलते कल उसको मार दिया, आज मुझे मारने के लिए आए। मूसा को ये सब मालूम है, मूसा जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, 40 साल में कुछ भी नहीं कर पाए, बार बार गिरे होंगे, और इसलिए अभी जब परमेश्वर उनको बोलते जाओ तो मूसा बोलते मैं नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि 40 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, नहीं होता नहीं होता नहीं होता। और इसीलिए कई लोग ऐसे जो बार बार गिरते हैं फिर उनका विश्वास उनका टूट जाता है, अब मैं नहीं उठ सकता, अब मैं नहीं उठ सकता, और मूसा का भी विश्वास नहीं बन रहा। और आगे लिखा है वहां पर पढ़ते उसका दसवा पद। अरे मूसा यहोवा ने कहू के हे प्रभु अत्यार सुधी बड़ी तेरे तरह दास साथे बात करी, त्यार पछी हूँ तो वक्ता नथी, केम के हूँ बोलो धीमो छु ने मारी जीभ मंद छे। अब मूसा और बहाना बताए, मैं बोलने में धीमा हूँ, कई लोग ऐसा प्रचार भी कर लेते कि मूसा जो था वो हकलाता था बोलने में, अरे जो परमेश्वर के साथ डायरेक्ट बात कर सकता है और हकलाता नहीं, वो क्या इंसान के साथ बात करने में हकलाएगा, वो बिंदास से तो बात कर रहा है परमेश्वर के साथ, वो हकलाता नहीं था, वो तो सीधा बोल सकता था सब कुछ, लेकिन एक बार फिर बहाना बता दे वो 40 साल पहले की बात उसको याद आ रही कि नहीं इसराइल के लोग नहीं मानने वाले, मैं सफल नहीं हो सकता, मैं इनको नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि जब मैं फिरौन के घर में था तब नहीं कर पाया, और प्रभु अब मैं कैसे मैं करूं। हाथी का बच्चा जब छोटा होता है तो उसके पतली सी रस्सी के साथ उसको बांध दिया जाता है, लेकिन वो पतली रस्सी वो तोड़ नहीं सकता, वो इतनी तो मोटी होती, उसमें इतनी ताकत नहीं होती, लेकिन बच्चा जो होता है ना वो कभी भी देखना उछल कूद ज्यादा करेगा,
वो उसे कुछ ज्यादा करता है और वो उस रस्सी से आजाद होने का बहुत प्रयत्न करता है। हाथी का बच्चा उसको तोड़ने का प्रयत्न करता है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, महीना वो जख्मी हो जाता है लेकिन छूट नहीं पाता। धीरे धीरे हाथी बड़ा हो जाता है। अब बड़ा होने के बाद ये रस्सी आसानी से तोड़ सकता है लेकिन तभी भी उसको वही रस्सी से बांध दिया जाता है, वही पतली रस्सी से, और तब भी वो उसको नहीं छुड़ाता। क्यों? क्योंकि पहले जो उसने प्रयत्न किए उसमें जो जख्मी हो गया, उसके दिमाग में ये बात घर कर गई कि इस रस्सी से मैं कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता। और उसके बाद वो बड़ा हो जाता है तब भी उसका मालिक वही रस्सी से बांधता है लेकिन उसके दिमाग में बैठ गया अभी मैं इसको तोड़ नहीं सकता, वो प्रयत्न ही करना वो बंद कर देता है। और इसलिए हाथी जो है बड़ा होने के बाद भी उस रस्सी से आज़ाद नहीं हो सकता है। एक बार मानसिकता बन गई उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। मूसा के जीवन में यही हुआ था लेकिन चलो परमेश्वर वहाँ पर आए और परमेश्वर ने बोला मूसा मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ मूसा, तू जा और मैं तुझे ऐसे चमत्कार दूंगा, मैं तुझे ऐसी शक्ति दूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। और देख मूसा वहाँ पर कैसे कैसे काम होते। और मूसा की जो मानसिकता थी 40 साल पुरानी, उस मानसिकता को परमेश्वर ने तोड़ दिया और परमेश्वर उसको विश्वास दिया। तो 40 साल का था तब तक कुछ नहीं कर पाया ना, तेरे पास एक पोस्ट थी तब भी कुछ नहीं कर पाया ना, आज मैं तेरे साथ हूँ। और देख मूसा मैं तेरे साथ हूँ तो देख तू तो क्या कर पाएगा और कितनी बड़ी बड़ी बातें कर पाएगा। और वही परमेश्वर ने मूसा के लिए गवाही दी, उसके जैसा भविष्यवक्ता आज तक पैदा नहीं हुआ। लेकिन मूसा पहले कौन से तैयार थे, वो तो डर रहे थे जाने से, वो तो काम नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनको 40 साल का एक्सपीरियंस था कि ये काम जो है वो मैं नहीं कर सकता। कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते रहते तू नहीं कर सकता ये काम, तेरे से नहीं होगा, तू कितने लोगों को बचाएगा, इतनी सारी दुनिया नाश में जा रही है, तू कितने लोगों को बचाएगा, छोड़ तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे से कुछ नहीं होगा। और कई बार लोग जो होते वो लोग बोलते रहते तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। और सुनते सुनते लोगों के दिमाग में ऐसा हो जाता है सही में मैं कुछ नहीं कर सकता। जब मुझे बोला, इतने लोगों ने बोला तू नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तो मैं नहीं कर सकता हूँ। और उसके दिमाग में भी ऐसी बातें बैठ जाती है ओ कर नहीं सकता, सही में तो करना ये चाहिए कि कोई अगर बोले कि तू नहीं कर सकता, चैलेंज उठाओ, चैलेंज को उठाना सीखो। अगर कोई बोलता है तुम्हें कि मैं काम तू ये काम नहीं कर सकता, तुरंत चैलेंज के साथ बोलो मैं कर सकता हूँ। चैलेंज जो है उस चैलेंज को उठाना चाहिए, अपनी जो शरीर की शक्ति है, अपनी जो शारीरिक अवस्था है उसको छोड़ो, लेकिन एक बार अपने अंदर से इतना हौसला बना लो मैं कर सकता हूँ, बस मैं कर सकता हूँ। और अब चाहे कोई कितना भी बोले लेकिन अगर इंसान का हौसला बन गया तो पीछे कुछ भी कर सकता है। पौलुस कैसे थे, वो तो कलीसिया को सताने वाले, मसीह के ऊपर जो विश्वास करते थे उस विश्वास को उल्टा कर देने वाले, विश्वास को तुड़वाने वाले, कलीसिया तुड़वाने वाले, मंडली का नाश करने वाले, लोगों को जेल में डालने वाले, ऐसे थे पौलुस। अब परिवर्तन तो हो गया उनको, उनका अब उनको पता भी चल गया कि यीशु ही परमेश्वर है, लेकिन अब बाहर किस मुंह से जाए, किस मुंह से लोगों को प्रचार करे। कोई भी तो बोल सकता है ये पौलुस तू वही है ना, अब तेरे में कल आ गए क्या, तू वही है जो ये विश्वास करने वाले को मारता था और तू लोगों को सिखाता था यीशु मसीह नहीं है, यीशु परमेश्वर नहीं है, अब तू ही बोलने लगा क्या, कोई तो है जो पौलुस को बोल सकते। और कई बार लोग पहले से यार मैं नहीं कर सकता ऐसा, किस मुंह से तू जाएगा, मालूम पहले तेरा जीवन कैसा था, तू खुद उसके साथ बैठकर शराब पीता था, अब तू जाकर उसको सुधारेगा, तू कैसे बोल सकता है उसको, पहले तू उसके साथ फिल्म देखने के लिए जाता था, अब तू उसको कैसे बोल सकता है। और इंसान के दिमाग में सारी बातें घर कर जाती है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, और वो फिर कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन पौलुस ने कुछ सोचा नहीं, जो होगा देखा जाएगा।
मुझे जो मिला है वो तो मैं कर कर ही रहूंगा। और फिर लिखा है फिलिप्पियों में और उसका चौथा अध्याय उसका 11-12 और 13 पद, वो तंगा से लीधे बोलो छू एम नहीं, કેમ કે જે અવસ્થામાં હું છું તેમાં સંતોષ થઈ રહેવાનો હું શીખ્યો છું, ગરીબ થવું હું જાણું છું તથા ભરપૂર હોવું પણ હું જાણું છું, હર પ્રકારે તથા સર્વ બાબતમાં તૃપ્ત થવાને તથા ભૂખ્યો રહેવાને તેમજ પુષ્કળ પામવાને અને તંગીમાં રહેવાને હું શીખેલો છું, જે મને સામર્થ્ય આપે છે તેની સહાયથી હું બધું કરી શકું છું। હાલેલુયા હાલેલુયા ઓર કિતના હિંમત સે બોલતો મેં જો કુછ ભી કરતા હું વો મેં કહાં કરતા હું લેકિન જો મુઝે સામર્થ્ય થે उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पौलुस कुछ भी नहीं कर सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन पौलुस बोल रहे कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि पौलुस के लोगों की इतनी सतावट की थी, चारों ओर फेमस थे सतावट करने के लिए। अभी अगर वो विश्वासियों के पास जाए तो विश्वासी लोग तो उसको देख कर ही भाग जाएंगे कि भागो, ये तो सताने वाला है, ये तो पकड़ने वाला है, चलो छुप जाओ, भाग जाओ यहाँ से। और सही में पौलुस उनको मिलना चाहता है, कौन से मुंह से जाए, कौन से मुंह से जाकर उनको बोले नहीं अभी मैं आप लोगों के समान हो गया, आपके वाले विश्वास में मैं आ गया, मुझे यीशु मसीह का दर्शन हुआ है, किस मुंह से जाए। और यही सोचते हुए लोग जो है वो काम नहीं कर पा रहे, लेकिन पौलुस उन्होंने अपनी शारीरिक अवस्था के ऊपर, शारीरिक जो शक्ति बल था उसके ऊपर मन नहीं लगाया, लेकिन उसने ये बोला जो मुझे सामर्थ्य देता है उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पौलुस बस करना चाहते थे, बस मुझे करना है। एक बार ऐसा हुआ कि एक लड़के को दुष्टात्मा था और जो खबर मेरे पास लेकर आए उन्होंने उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें की कि वो तो लोगों को मारता है, लोगों को पीटता है, उसको बांध कर रखना पड़ता है, अगर उसको छोड़ दो फिर किसी की ताकत नहीं उसको वश कर सके, सब कुछ तोड़ फोड़ देता है, इंसानों को भी मारता है। लेकिन आप प्रार्थना के लिए आओ वहाँ पर, अभी पहले तो ये सारी बातें बता दी, तोड़ देता है, फोड़ देता है, मार देता है, वो तो अभी प्रार्थना के लिए आओ। मैं भी सोच रहा हूँ चलो दुष्टात्मा कैसे जाना तो पड़ेगा प्रार्थना के लिए, मैं भी दो चार को लेकर जाता हूँ प्रार्थना के लिए। लेकिन उस वक्त कोई नहीं मिला, जितने लोगों को फोन किया सभी लोगों ने एक ही बात बताई, कोई बोलता मैं यहाँ पर हूँ, कोई बोलता मैं वहाँ पर हूँ, मैं बोला आज कोई नहीं है और वहाँ पर काम भी ऐसा है, चलो कोई बात नहीं जाकर जाते तो है। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो परमेश्वर ने सही में सहायता की और परमेश्वर ने उस लड़के को संपूर्ण रीति से उसको छुटकारा दिया। एक छोटा सा एक जंतु आता है जिसको लोग बोलते हैं भौंरा, वो छोटा सा आता है और वो कुछ गुनगुनाता है वो, और मालूम नहीं उसकी जो आवाज़ होती है ना मालूम नहीं कान को अच्छी नहीं लगती उसकी आवाज़, और ज़्यादातर वो कैसा करता है अगर कोई इंसान बैठा है तो उसके कान के पास ही आवाज़ कर कर चला जाता है। और वैज्ञानिक लोग ऐसा बोलते हैं कि भौंरा ना उड़ नहीं सकता, ऐसा वैज्ञानिक लोगों का मानना है। लेकिन भौंरा कहाँ पढ़ने के लिए जाए कि मैं नहीं उड़ सकता, उसको तो मालूम ही नहीं मैं उड़ नहीं सकता। लेकिन जितने भी पंछी लोग जो उड़ सकते हैं उनके ऊपर वैज्ञानिकों ने छानबीन किए कि ये लोग कैसे उड़ सकते, उनका कितना वजन होना चाहिए, पंख कितनी होनी चाहिए, कब उड़ सकते। और भौंरे को जब उन्होंने देखा, उन्होंने जांचा, तब उनको पता चला कि भौंरा वैज्ञानिक कारणों से वो उड़ ही नहीं पाएगा, उड़ नहीं सकता। और हकीकत कुछ उल्टी सी है, वो तो उड़ता ही रहता है, हाथ में भी नहीं आता वो तो, वो इसलिए कि भौंरा ने सुना ही नहीं वैज्ञानिक लोगों का। अगर सुनता तो भी समझ लेता मैं नहीं उड़ सकता, मैं नहीं उड़ सकता तो उड़ता ही नहीं, लेकिन सुना नहीं तो बिंदास से उड़ रहे हो। हालेलुया। अगर दूसरों की सुनते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हमें उड़ना है, हमें काम करना है, हमें भागना है, मैं कर सकता हूँ, मेरे परमेश्वर मेरे साथ है, तो फिर आसानी से ये काम जो है वो काम हम कर सकते हैं। लेकिन कई बार अनुभव ऐसा हो जाता है बार बार गिरे, बार बार गिरे और उठ नहीं पा रहे, और फिर इंसान के दिमाग में बैठ जाता है कि नहीं मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, मैं तो उठ ही नहीं सकता। कई बार लोग बोलते तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता,
और ये बात भी दिमाग के अंदर बैठ गई, इंसान कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन यहोशू को तो मूसा को देखते हैं, अगर 80 साल का कुटा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। पौलुस बोल रहे कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कई बार सवाल हो जाते हैं, मैं कैसे प्रार्थना के लिए जाऊँ, मेरा तो अभिषेक ही नहीं हुआ। अरे प्रार्थना तो दुष्टात्मा भी कर लेते थे, उनका कहाँ अभिषेक हुआ, और फिर भी प्रभु से उनकी प्रार्थना सुन लेते थे। अरे कोई बात नहीं, एक बार करो तो सही प्रार्थना, एक बार निकलो तो सही। अभी तक प्रभु ने मुझे बताया नहीं मुझे कहाँ पर जाना है, तो क्या प्रभु तेरे पास मैप लेकर आए कि तुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है। एक बार बोल दिया जाओ सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ, अभी प्रभु दूसरी बार पूछने के लिए नहीं आने वाले। अभी हमें इसकी बात करने की जरूरत भी नहीं, हमें खुद वो तो निकल ही जाना है, निकल ही जाना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसी सोच जो है वो इंसान को वो रोक लेती, मैं कैसे निकलूँ, मेरा अभिषेक नहीं हुआ, मेरे पास तो कोई वरदान ही नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो आत्मा नहीं है, मैं कैसे निकलूँ, मैं कैसे काम करूँ। और तब इंसान वो कुछ नहीं कर पाता, कई बार तो डरता है पर सामने दुष्टात्मा है, अगर जाऊँगा और प्रकट हो गया तो। जो निकालने के लिए जाता है वो तो ये सोचता है इसको प्रकट कैसे करूँ, और कई बार ऐसा होता है कि डर के मारे ये सोचते हैं अगर प्रकट हो गया तो क्या करेंगे, फिर तो भागना पड़ेगा वहाँ पर। और ऐसे ही सोचते सोचते इंसान जो है वो इंसान वो काम नहीं कर पाता। एक बार एक इंसान था, उसने एक फैक्ट्री बना ली और कुछ मजदूर रख दिए, कुछ मशीनें लेकर आया, लेकिन उसके काफ़ी पैसे उसमें इन्वेस्ट हो गए। अब उसके पास पैसे नहीं बचे और उसको ऐसा था कि मुझे अगर ये कारोबार चलाना है तो मुझे और पैसे चाहिए, अगर पैसे नहीं होंगे तो मैं हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। मतलब कोई सौदा करना है, या तो कुछ खरीदना है, या तो कुछ बेचना है, या तो और मजदूर लेना है। वो सोचता है कि मजदूर ले लो लेकिन महीने के बाद तनख्वाह देनी पड़ेगी, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तनख्वाह कैसे दूंगा। मुझे मशीन लेना है, महीने के बाद उसके पैसे आए भरने, लेकिन महीने के बाद मेरे पास पैसे नहीं आएंगे। तो बस यही सोचते हुए उसका मन जो था कारोबार से हट गया। अब वो ये सोच रहा है कि इतना मैंने पैसा खर्च किया वो तो मेरे गए, और धीरे धीरे जो मेरा कारोबार है वो मेरा कारोबार भी बंद हो जाएगा। एक बार ऐसे उदास होकर वो कहीं पर गार्डन में जाकर बैठ गया। उसको देखकर एक इंसान उसके पास आया, मैं आप तो बहुत उदास दिख रहे हो, आप कोई गहरी समस्या में हो। बोले हाँ मेरी समस्या बहुत गहरी है। अरे क्या हुआ। बोले मैंने फैक्ट्री खरीद ली, ये काम किया वो काम किया, लेकिन ज़्यादा पैसे बचे नहीं मेरे पास, और पैसे नहीं तो मैं हिम्मत भी नहीं कर पा रहा कुछ काम करने के लिए। अगर मेरे पास पैर में कुछ पैसे हो तो मैं हिम्मत कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, कौन मुझे देगा। अरे बोलता है तू अच्छे इंसान के पास आ गया, मुझे जानता है मैं कौन हूँ, मैं नहीं, मैं इंडिया का सबसे धनवान व्यक्ति मुकेश अंबानी। 50 लाख का चेक लिखकर उसको दे दिया, जो भी काम करना है कर, एक साल के बाद हम दोनों यहीं पर मिलेंगे, और तब जाकर तुम मुझे बताना कि तूने कितनी सफलता प्राप्त की या तूने कैसा काम किया। और इसके पास तो पैसे आ गए, अभी तो 50 लाख का मालिक है, अभी सिर्फ बैंक में डालना है उसको चेक और 50 लाख का मालिक हो। और उसने सोचा कि आज तक भी मैंने तो पैसे डाले हुए, और ये 50 लाख भी अगर चले गए तो उसको मैं एकदम से नहीं डालता हूँ, अगर मुझसे कुछ कमी आ गई तो चेक में डाल दूंगा। लेकिन उसको एक हिम्मत आ गया, मेरे पास 50 लाख रुपये पड़े, अब तो एक मशीन क्या मैं 10 मशीन खरीद सकता हूँ, अब 10 मजदूर क्या मैं 100 मजदूर भी ले सकता हूँ। उसने पूरे हिम्मत से काम किया, और हिम्मत से काम किया वो सफलता प्राप्त करने लगा, प्राप्त करने लगा, प्राप्त करने लगा। पैसे आते गए, एक महीने के बाद उसको याद आया मेरे पास तो 50 लाख का चेक पड़ा है, लेकिन उसको जरूरत ही नहीं उसकी। उसने ऐसे ही जो हिम्मत कर ली, उस हिम्मत की वजह से उसका काम तो चल रहा है, अभी तक तो उसने चेक नहीं डाला, अभी हिम्मत आ गई, आमदनी भी होने लगी, उसकी फैक्ट्री अच्छे से चलने लगी। और ऐसा करते करते एक साल बीत गया, उसको याद आया एक साल हो गया,
चलो मैं चलता हूँ उस गार्डन में, अगर मुख्य सम्मान मिल जाए उसको पैसे भी वापस करने, चेक तो मैंने डाला ही नहीं, उसको चेक ही वापस कर देता हूँ। और वो वहाँ पर चला गया। गार्डन में बैठा था कुछ देर हुई और मुख्य सम्मान थे उसके पास, वो आ गए। अभी वो आए थे, इतने में सफ़ेद कपड़े पहनकर 8-10 लोग आए और आके उस मुख्य सम्मान को पकड़ लिया। चल चल निकल यहाँ से, चल चल गाड़ी में बैठ। बोले हे क्या कर रहे हो, इंडिया का सबसे धनवान व्यक्ति मुकेश अंबानी, इसको ऐसे कैसे ले जाते? अरे बोले पागल है, ये अपने आपको मुकेश अंबानी समझ रहा है, चेकबुक लेकर घूमता है, किसी को कुछ भी लिख कर दे देता है। उसको तब पता चला है कि उसके पास जो 50 लाख का चेक है वो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उसकी वजह से कितनी हिम्मत कर ले, कितना आगे बढ़ गया। तो अगर हमारा परमेश्वर हमारे साथ होता, हालेलुया, कितनी हिम्मत होनी चाहिए हमारे अंदर, हम क्या नहीं कर पा रहे अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो। लेकिन पहले से दिमाग में बैठ गया ना, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, डर। और डर की वजह से इंसान जो है वो इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है। और आज जो हमने वचन पढ़ा था, वचन था न्यायाधीशों का पुस्तक वर्ष का 6वां अध्याय, और वहाँ पर जो मिद्यान के लोग थे, वो मिद्यान के लोग इसराइल लोगों को परेशान करते थे, और इसराइल के लोग जो थे वो लोग तो पहाड़ों में गढ़ बनाकर, गुफा बनाकर उसमें डर के मारे छुप जाते थे और वहीं पर रहते थे। लेकिन खेती करने के लिए तो उनको बाहर आना पड़ता था खेत में, और जब वो लोग खेती करते थे और जब फसल पक जाती थी और जैसे कटाई होती थी तभी मिद्यान के लोग आते थे बहुत भारी मात्रा में, और बहुत भारी मात्रा में आकर मिद्यान के लोग क्या करते हैं, इसराइल लोगों को लूट कर वापस चले जाते थे। जो कुछ भी 4 महीने मेहनत की थी ये सब कुछ एक ही दिन में मिद्यान के लोग उठाकर चले जाते थे। सारे इसराइल लोग जो थे कंगाल हो गए, गरीब हो गए सारे, और खाने पीने के लिए भी उनके पास अब मुश्किल होने लगी। और तभी एक इंसान था जिसका नाम था गिद्योन, और गिद्योन जो था वो जहाँ पर अंगूर का रस निकालते हैं उस कुंड के अंदर जाकर वो छिप कर धीरे धीरे से गेहूं निकाल रहे थे। पहले कुंड आता था उसके अंदर अंगूर डाल देते थे और इंसान उसके अंदर कूद पड़ता था और अपने पैरों से उस अंगूर को वो दबोचता था, और नीचे एक होल के अंदर एक पाइप रहती थी जहाँ से दाखरस जो था वो निकलता था और उससे लोग बर्तन भरते जाते थे। ये उसके अंदर ये गेहूं जो था उसको काट काट कर वो धीरे धीरे से वहाँ पर निकाल रहा था ताकि मिद्यान वाले आए लेकिन उसकी नज़र ना पड़े। उनको तो मालूम है अभी अंगूर का तो मौसम है नहीं, अभी तो गेहूँ का सीजन है, तो लोग तो खेत में जाएंगे और अंगूर का जो कुंड उसके अंदर नहीं देखेंगे और मैं बच भी जाऊंगा। इसका मतलब ये था कि ये जो गिद्योन जो था वो डरपोक इंसान था, उसके अंदर डर था, वो मिद्यानी लोगों से डरता था। और तभी ऐसा हुआ कि परमेश्वर वहां पर आए और परमेश्वर ने आकर इस गिद्योन को दर्शन दिया। और जो वचन हमने पढ़ा था न्यायों की किताब और उसका 6वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका 12वां पद। अने यहोवाना दूते तेने दर्शन देने कहियो पराक्रमी सूरवीर यहोवा तारी साथे छे। यहाँ पर जो शब्द लिखा है कि यहोवा के दूत ने ऐसा कहा, उसे दर्शन देकर कहा पराक्रमी सूरवीर यहोवा तेरे साथ है। जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि गिद्योन को ऐसा बोला हे पराक्रमी सूरवीर यहोवा तेरे साथ है। ये डर के मारे अंगूर के कुंड में था, क्या पराक्रमी था, क्या सूरवीर था? ये तो परमेश्वर के लिए शब्द लिखे, वो यहोवा जो पराक्रमी, वो यहोवा जो सूरवीर है, गिद्योन वो तेरे साथ है, वो पराक्रमी सूरवीर यहोवा वो तेरे साथ है। और गिद्योन जो है उसको सवाल होता है, आगे पढ़ो तो क्या लिखा है, त्यारे गिद्योन ने तेने कहियो
મારા ધણી, જો યહોવો અમારી સાથે હોય તો અમારે માથે આ સર્વ વિપત્તિઓ કેમ આવી પડી છે? યે બોડા કે અગર યહોવા હમારા સાથ હો તો કે હમારી એસી પરિસ્થિતિ હો સકતી હૈ? ક્યા હમારા જીવન મે એસી વિપત્તિયા હો સકતી હૈ? અગર યહોવા હમારે સાથ હૈ તો હમ એસી અવસ્થા મે ક્યું? हमारे पूर्वज लोग तो बोलते थे कि हम लोग जब मिस्र से आए थे ना, तो मालूम है परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े चमत्कार किए। मूसा के जरिए, मूसा के तो खिलाफ होते थे लेकिन अपने बच्चों को अच्छा सिखा कर गए थे। मालूम है कितने बड़े बड़े चमत्कार किए, क्योंकि बोल तो नहीं सकते ना हम मूसा के खिलाफ हुए थे। हम लोगों ने भी आवाज़ की थी मूसा के खिलाफ, इसलिए बड़ी बड़ी बातें कर कर गए। बोले इतने बड़े बड़े चमत्कार, हमारे परमेश्वर हमारे साथ थे, हम तो समुद्र के अंदर से निकले, हम लोगों ने तो अमालेक लोगों को मारा, हम लोगों ने तो इसको मारा उसको मारा, और ये देश में तो राक्षस लोग रहते थे, उनको मारकर हम लोगों ने भगा दिया। मालूम है? और गिद्योन आज वही सोच रहा है, क्या वो पराक्रमी शूर यहोवा हमारे साथ है क्या? अगर है तो हमारी ऐसी परिस्थिति क्यों? और वो तो डर के मारे उस अंगूर के कुंड के अंदर वो तो कुछ काम कर रहा है और गेहूं निकाल रहा है। और फिर यहाँ पर आगे लिखा है और पढ़ो तो, यहोवा अमने मिसर माथे काढ़ी नथी लाव्यो सो एम कहीने अमारा पितरो तेना जे सर्व चमत्कारो विशे अमने कहता हता ते क्या छे? पण हमना तो यहोवाए अमने कजी दीधा छे ने मिद्यानियोना हाथ में अमने सौंपी दीधा छे। ये बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारे परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया, कि ये तो सुनी हुई बात थी हमारे पूर्वज लोगों से, लेकिन अब हमारे परमेश्वर जो है ना तो हमारे साथ है और उन्होंने हमको छोड़ दिया है। और फिर आगे पढ़ो तो क्या लिखा है 14 पद, यहोवा ने तेरे पर दृष्टि करीने कहनु तू तारा आ बड़मा चालियो छे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहां पर ऐसा लिखा है यहोवा ने, आपने लिखा कि यहोवा के दूत ने, दूत का मतलब होता है मैसेंजर, जो मैसेज लेकर जाते हैं। और यीशु मसीह कई बार इस तरह से मैसेज लेकर आते थे, तो यीशु मसीह को यहोवा का दूत ऐसा लिखा है, लेकिन फिर लिखा है यहोवा, यीशु ही यहोवा। और वो बोल रहे कि तू तेरे इस बल में चला जा, तू तेरे इस बल में चला जा। अभी इसके पास कौन सा बल है? इसके पास गिदोन के पास कोई बल? वो तो डर रहा है, वो तो डर के मारे छुप कर अंगूर के कुंड के अंदर वो तो धीरे धीरे से गेहूं निकाल रहा है, ज्यादा मेहनत कर रहा है वहां पर। वो तो डर रहा है कहीं मिद्यान लोग आ गए तो मुझे मार कर सब कुछ लूट कर चले गए, तो ये तो डर रहा है और डर के मारे बैठा है। और परमेश्वर उसको ऐसा बोलते हैं, यहोवा ने उस पर दृष्टि कर कर कहा कि तू तेरे इस बल में चला जा, मतलब तू कमजोर है, तू डर रहा है, तू इसी में जा, तेरे पास जितना है ना बस तू उसी को अपने हाथ में रखकर तू जा, तेरे पास कुछ नहीं, मैं जान गया। परमेश्वर उसको बोलते तेरे पास कुछ नहीं है लेकिन तू चला जा, ये जो तेरे पास बल है मेरे वाला नहीं, जो तेरे पास तेरा बल जिससे तू डरता है उसी बल में तू चला जा। और आगे क्या लिखा है? ने मिद्यानियों ने हाथ में थी इजराइल ने छोड़ाओ सु मैं तने मुकोले न थी, इसी बल में जा और मेरे इजराइल लोगों को छुड़ा कर लेकर आ। अभी जब खुद को नहीं बचा सकता, खुद का खेत नहीं बचा सकता, तो इजराइल लोगों को कैसे छुड़ा सकता है? और परमेश्वर भी उसको क्या बोलते हैं, इसी बल के अंदर तू जा और मेरे इजराइल लोगों को मिद्यान के हाथों से छुड़ा। और फिर आगे क्या लिखा है? तेने तेने कही हे प्रभु इजराइल ने हुसा वड़े बचाऊ जो मनाशा में मारू कुटुंब सौथी गरीब छे ने मारा बाप ना घर में हूँ सौथी नानो छु। बस यही बात गीत में भी बोल रहा है, परमेश्वर में कैसे छुड़ाओ, एक तो बल नहीं है, मैं तो डर रहा हूँ, डर के मार में कहीं पर बैठा हुआ हूँ। और यह गीत बोल रहा है कि मनाशा का जो कुल है उसके अंदर मेरे बाप का जो घर है वो सबसे गरीब लोग हैं, वो सबसे गरीब लोग हैं, और मेरे बाप के घर में मैं तो सबसे छोटा हूँ, मैं कैसे बचा सकता हूँ, मैं कैसे बचा सकता हूँ? और ध्यान से समझना, आज जितने भी लोग परमेश्वर का काम नहीं कर रहे, आज जितने भी लोग परमेश्वर का काम सही रीति से नहीं कर रहे, कई बार मैं देख रहा हूँ कि गवाही होती है और गवाही मेरा नाम कुछ ज़्यादा चल जाता है, शनि भाई ये कर सकते हैं, शनि भाई वो कर सकते हैं। और वो ध्यान से समझना कि अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं कौन से बल में कर सकता हूँ?
अगर मैं कर सकता हूं तो कौन से बल मैं कर सकता हूं? कौन सा बल है? क्या वो परमेश्वर का नहीं? क्या वो परमेश्वर नहीं कर रहे? क्या किसी इंसान के ताकत है? क्या कोई इंसान कर सकता है? कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता है, उसके पास कोई ताकत है ही नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया, वो ध्यान से समझना। और ये जो गीतियों ने वो यही बोल रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा परिवार सबसे गरीब और मैं तो उसमें सबसे छोटा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला उसको? हालेलुया, यही सबसे बड़ी बात है। परमेश्वर क्या बोलते हैं गिद्योन? मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, ऐसा परमेश्वर बोल रहे। तो क्या गिद्योन अकेले के बोल रहे हैं? क्या आप लोगों के लिए नहीं बोल रहे परमेश्वर? क्या परमेश्वर आज आपको नहीं बोल सकते कि मैं तेरे साथ हूँ? क्या परमेश्वर ये नहीं कह सकते कि मैं तेरे साथ हूँ, तू तेरे इसी बल के अंदर चला जा, मैं तेरे साथ हूँ? मूसा क्या कुछ कर सकता था अपने बल से? तो उसने प्रयत्न किया, हुआ कुछ? लेकिन 80 साल के बूढ़े हो गए तो परमेश्वर बोलते हैं मैं भेजता हूं ना मूसा, मैं हूं ना तेरे साथ, मूसा तू जा। और मूसा को बोला, मूसा अभी यहोशू को खड़ा कर, तेरा काम समाप्त हो गया, अब यहोशू को बोला यहोशू तू लेकर जा। यहोशू क्यों मना नहीं कर सकते? यहोशू यही देखते जब इतना बूढ़ा कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, क्यों आज ये बात परमेश्वर के लोगों में नहीं? अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? अगर वो भाग सकता है तो मैं क्यों नहीं? अगर वो दौड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं? अरे चैलेंज उठाना सीखो, वही परमेश्वर सभी लोगों के साथ है। उस चैलेंज को उठाना सीखो, बार भागना सीखो, दौड़ना सीखो, लोगों को बताना सीखो और आत्मा जीतना सीखो। क्यों नहीं कर सकते हम लोग? हम कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर क्या बोलते हैं? तू तो तेरे बल में जा, और तेरे पास बल कहां है? लेकिन मैं तेरे साथ हूं। और प्रभु यीशु बोलते हैं मैं तेरे साथ हूँ। और परमेश्वर ने इस गीतियों को कहा, पढ़ो तो आगे क्या लिखा है। नहीं तो जाने एक मानस ने मारतो है, तेम तो मितियों ने मारी। हालेलुया, चाहे वो टिड्डियों के समान आते हो, चाहे वो चींटियों के समान पूरा झुंड लेकर आते हो, चाहे वो हजारों में आए, चाहे वो लाखों में आए, चाहे किसी के अंदर एक दुष्टात्मा हो, चाहे उसके अंदर पूरी सेना हो, लेकिन तू एक इंसान को मारता है ना, इस तरह से तू पूरी सेना को मारकर भगाएगा। अब गिद्योन एक को भी कहां मार सकता था? वो तो छुप कर बैठा था, वो तो एक को भी नहीं मार सकता। लेकिन परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि चाहे कितने भी लोग आए, लेकिन समझ ले एक ही है। और एक इंसान को लोग कैसे मारते? तू ऐसे ही सभी लोगों को मार पाएगा। एक बार मैंने कहीं पर प्रचार किया कि, और मैंने वहां पर बोल दिया कि दाऊद एक ही साथ में 10,000 लोगों को मार सकता था। मीटिंग समाप्त हो गई, किसी ने मुझे सवाल किया ऐसे कैसे हो सकता है, वो 10,000 बारी बारी से आते होंगे तो ऐसा हो सकता है। मैंने बोला नहीं, 10,000 एक साथ ही मारते थे और फिर भी दाऊद उन सभी को मार सकता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तू तो जैसे एक इंसान को मारता है वैसे तू मार पाएगा उनको। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या बोलते है, मैं तेरे साथ हूँ। और क्या लिखा है आगे? तेरे तेने कहियो कि जो हूँ अबे तेरी दृष्टि में कृपा पाम्यो हो तो मारे साथ बात करना ते तू छे तेनु मने चिन्ह देखा। और ये ही तन बोल रहा है कि अगर मेरे साथ जो बात करने वाले हैं वो अगर तू ही है कि नहीं। चलो कितन को पता नहीं था, लेकिन हमको तो मालूम है कि हमारे परमेश्वर ही हमसे बात करते। हमें तो मालूम है कि हमारा परमेश्वर ही है जो हमारे परमेश्वर हमसे सारी बातें करते। और परमेश्वर आज हम सभी को बोल रहे हैं मैं तेरे साथ हूँ। ये सारी बातें मन में से निकाल दो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं नहीं भाग सकता, मैं उठ नहीं सकता, मैं दौड़ नहीं सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ अगर परमेश्वर मेरे साथ है। मैं भाग सकता हूँ, मैं आत्मा जीत सकता हूँ अगर परमेश्वर मेरे साथ है। अगर परमेश्वर मुझे बोल रहे कि तू भाग, तो चाहे कितनी भी उम्र क्यों ना हो लेकिन इंसान भाग सकता है, चाहे कितनी भी धूप ना हो लेकिन इंसान दौड़ सकता है, फिर कितनी भी बड़ी सुबह क्यों ना हो इंसान उठ सकता है अगर परमेश्वर उसके साथ है और उसको ये विश्वास है। और गिद्योन को विश्वास आ गया, और गिद्योन को विश्वास आ गया, और गिद्योन जो है वो तो खड़े हो गए। और गिद्योन खड़े हो गए एक डरपोक इंसान,
डर के मारे वो किसी जगह पर छुप कर वो गेहूं निकाल रहे थे। और मुझे इतना तो मालूम है कि मैं जितने लोगों को जानता हूँ उनमें से एक भी डरपोक नहीं है, एक भी डरपोक नहीं है। परमेश्वर भी आकर बोल दे ना आ जाना 7 बजे तो भी नहीं आएंगे, इतने तो बलवान लोग हैं, फिर तो डरने की जरूरत है ही नहीं। तो डरपोक था, अगर फिर भी परमेश्वर उसका इस्तेमाल कर सकते तो हम तो डरने वाले है ही नहीं, तो हमारा परमेश्वर कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। परमेश्वर कर सकते हैं, लेकिन उस पर भरोसा करो कि वो परमेश्वर मेरे साथ है, तभी हम कर पाएंगे। और आने वाले दिनों में हमारी गवाही ऐसी होगी कि इस हफ्ते एक दिन के हिसाब से मैं 7 आत्मा जीत कर लेकर आया, या तो इस हफ्ते मैंने कम से कम एक इंसान जो था उसको पूरी तरह से परमेश्वर की सारी बातें बता दी। और देखना आने वाले दिनों में वो यहीं पर होंगे, वो भी पवित्र आत्मा से भरपूर होगा, वो भी बपतिस्मा लेगा, वो भी आगे बढ़ेगा, लेकिन कर नहीं पाते। इसका कारण यही है कि प्रभु बोलते हैं तेरा जो बोले उसमें चलता रहे, तेरा जो बोले। जब तक प्रभु को आधीन नहीं होंगे तो प्रभु क्या बोलते, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, प्रभु बोलते मैं तेरे साथ हूँ। एक बार एक भाई साहब को लेकर मैं कहीं पर चला गया और वहाँ पर हमको 3 रात रुकना था और हम लोग 3 रात वहाँ पर रुके। 3 रात रुके, सुबह भी जल्दी उठना है, शाम को रेट से सोना है। और फिर 3 दिन के बाद हम लोग घर पर वापस आ गए। घर पर वापस आ गए उसके बाद उस भाई साहब ने किसी से बात की, बोले कल तो शांति से उठूंगा। बोले क्यों? डेली भाई नहीं रख साथ में, कल शांति से उठूंगा। मतलब वो साथ में थे तो उठ जाना पड़ता था उनके साथ साथ, नहा धोकर तैयार हो जाना पड़ता था। प्रभु यीशु बोलते मैं तेरे साथ हूँ। अगर प्रभु यीशु मेरे साथ है तो हमें कैसे जीवन जीना पड़ेगा? प्रभु यीशु के समान जैसा प्रभु यीशु करते वैसे हमको करना पड़ेगा, जैसे प्रभु यीशु जीवन जीते वैसा हमको बनना पड़ेगा। तभी तो प्रभु हमारे साथ रहेंगे, तभी तो प्रभु हमारा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम प्रभु जैसे नहीं बनेंगे, उनका डर नहीं रखेंगे, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज प्रभु हमको बात कर रहे हैं कि लोगों की बातें छोड़ो, अपने शरीर की जो परिस्थिति है, अपने शरीर का जो बल उसके ऊपर आधार मत रखो। लोग चाहे कितना भी बोले ये लोग नहीं काम कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन मैं हूँ तेरे साथ और तू ये काम कर सकता है। और प्रभु साथ में तभी रहेंगे जब आप प्रभु के अनुसार चलोगे, तो प्रभु आपके साथ रहेंगे। और प्रभु आपके साथ रहेंगे तो पक्की आने वाले दिनों में गवाही बदल दी जाएगी, और अगले हफ्ते पता चल ही जाने वाले किसके साथ परमेश्वर थे और किसके साथ परमेश्वर नहीं थे। आओ हम हमारे आँखों को बंद करते और हमारे मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाते, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, मूसा ने मना कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रभु मैं इसराइल लोगों को नहीं छुड़ा सकता। लेकिन परमेश्वर ने कहा मूसा मैं तेरे साथ हूँ। यह सुने ये चेतावनी ली, यह सुने ये सीखा कि अगर मूसा कर सकते तो मैं नहीं कर सकता। और यह उसने कर कर बताया, उसने ये नहीं सोचा कि 35-40 लाख लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या करेंगे। और उसने ये नहीं देखा कि जो विश्वासी लोग जिनको मैं मारता था, जिनको मैं जेल में डालता था, वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। आना पड़ा ना तो उसे मेरे पास, प्रभु को मानना पड़ा ना, उसे कुछ भी नहीं सोचा। मुझे मिला है मैं करूँगा, जो मुझे सामर्थ देता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पर पौलुस ने कर कर बताया, पौलुस ने कर कर बताया, प्रभु उसने गिद्योन से कहा गिद्योन तेरे हिस्से पर मैं चला, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर साथ नहीं हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज तक अगर आप लोग कुछ नहीं कर पाए
लेकिन आज प्रभु कहते हैं, आज प्रभु इसे कहते हैं, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। जैसे एक इंसान को कोई मारता है, ऐसे तो पूरी सेना को मारकर भगाएगा। मैं तेरे साथ हूँ, इस बात पर विश्वास करो, परमेश्वर का साथ ले लो और आप बड़े बड़े काम कर पाओगे, आप आत्मा जीत पाओगे, आप आगे बढ़ पाओगे। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू माय जीसस।